गोविंदगढ़ पुलिस का दो दिन में दूसरा बड़ा खुलासा, चोरी की वारदात का किया पर्दाफाश, पुत्र ही निकला चोर, घर से सोने चांदी के जेवरात चोरी कर गुजरात आया था घूमने, वापस लौटते ही पकड़ाया। बता दें कि रीवा के गोविंदगढ़ पुलिस ने दो दिन के भीतर चोरी की दो बड़ी वारदातों का खुलासा किया है। पुलिस ने एक दिन पूर्व तीर्थ यात्रा पर गई बुजुर्ग महिला के घर हुई चोरी का खुलासा करने के बाद आज दूसरी चोरी का खुलासा किया है, जिसमें चोरी करने वाला कोई और नहीं बल्कि फरियादी का पुत्र ही निकला है। पुलिस की माने तो फरियादी के बेटे ने घर का ही ताला तोड़कर सोने चांदी के जेवरात उड़ाए और घूमने के लिए गुजरात भाग गया, जिसे वापस लौटते ही पुलिस ने पकड़कर पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है। गोविंदगढ़ थाना प्रभारी शिव अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि मड़वा निवासी मथुरा पटेल के घर में बीते दिवस अज्ञात व्यक्ति ने ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए सोने चांदी के जेवरात पार कर दिए थे। मामले में फरियादी की ओर से थाने में चोरी की शिकायत दर्ज कराई गई, जिसे पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए चोर की पतासाजी शुरू की। इस दौरान सामने आया कि घटना दिनांक के बाद से फरियादी का छोटा पुत्र गायब है, जिस पर पुलिस ने संदेह जताते हुए फरियादी मथुरा पटेल के पुत्र गोलू पटेल को गुजरात से वापस घर लौटने पर थाने बुलाया। यहां उससे पूछताछ की तो उसने घर में हुई चोरी की वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया है। पुलिस ने फरियादी के पुत्र से चोरी गए सोने चांदी के जेवरात बरामद कर उसके विरुद्ध चोरी का अपराध पंजीबद्ध किया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है।